स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक कलेक्शन लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। तो आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान से संबंधित और ये आगामी मैट्रिक परीक्षा में निश्चित रूप से इससे अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में MCQ केवल है और जो रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो उससे हम लोग प्रश्नों को बनाए हुए हैं और हल करेंगे और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है जिंक प्लस CuSO4 से क्या बन रहा है कि जिंक सल्फेट और CU बन रहा है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ जिंक जो है वह कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा बी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, मतलब उसका रंग कैसा होता है? तो आग का लौ जो है वह उजला और चमकीला होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उजला, चमकीला और उजला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है? तो ये Fe3O4 बनता है, तो इसका सही जवाब होगा Fe3O4 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। इसका सही जवाब होगा बी, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ कुछ कंपाउंड्स के रासायनिक सूत्र दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ है Na2CO3 सही, यानी के बी आंसर होगा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Na2SO4 और BaCl2, इससे बन रहा है BaCl SO4 और NaCl, तो ये कैसी अभिक्रिया है ये बताना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो सही जवाब होगा इसका सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक जांच प्रणाली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच प्रणाली में कौन सा बिलियन था ये आपको बताना है। तो उसमें फेरस सल्फेट यानी Fe SO4 था, तो सही जवाब होगा आपका Fe SO4 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। अभिक्रिया CuO+H2 और इसे बन रहा है Cu+H2O, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन अभिक्रिया है यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसका सही जवाब हो गया ए, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस तरह के साइंस से लेकर के सभी विषय के MCQ का कलेक्शन अपने चैनल पर डाला गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से उसको देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए MCQ का कलेक्शन है वहाँ से आप सारे विषय के MCQ की तैयारी कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो है 9 नंबर, वह है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, यानी क्या बनता है? तो इससे सोडियम क्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 और जल हाइड्रोजन गैस, तो सही जवाब होगा आपका डी, Na2ZnO2+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पे CuO+H2, इससे क्या बन रहा है? तो Cu अलग हो जा रहा है और H2O बन रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन अभिक्रिया यानी यह रिडक्शन रिएक्शन है,
बी इसका सही जवाब होगा अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी नीचे जो है एक रिएक्शन है 2Cu+O2 और इसे बन रहा है CuO, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। यहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या उसका अवकरण हो रहा है या उसका नाइट्रेशन हो रहा है या दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है यानी ऑक्सीकरण, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सही जवाब होगा ए कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 और O2 बनता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी NO2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 13 नंबर की समीकरण है एक, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और इसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये संयोजन है, वियोजन है, उष्माक्षेपी है, प्रतिस्थापन है, कौन सा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसलिए यहाँ वियोजन हो रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो Fe3O4 बनता है, यानी सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए श्वेत। अगला प्रश्न है आपके लिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, इसका रंग हरा होता है, इसलिए सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग, तो NO2 के धुएं का रंग भूरा होता, NO2 के धुएं का रंग भूरा होता है, तो इसका सही जवाब होगा भूरा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, श्वसन, तो श्वसन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उपचयन अभिक्रिया है, तो इसका सही जवाब होगा ए उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके लिए, साग सब्जी का विघटन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी ये ऑक्सीडेशन में तो सभी होता है, तो उपचयन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ये ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तीनों होता है, इसलिए सही जवाब होगा डी ऑप्शन सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो यहाँ AgNO3 बिलियन और कॉपर धातु जो बनता है, ये जो है आपका डी ऑप्शन सही है। अगला है 22, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया 2Cu+O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया है यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसलिए सही जवाब होगा बी उपचयन। अगला प्रश्न है 24, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो जहाँ उष्मा उत्पन्न होती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जहाँ उष्मा का शोषण होता है और अवशोषण होता है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ए उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, इसलिए सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 26, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है AB+CD और इसे AD+CB बन रहा है, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, इसमें देखिए
डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी उभय विस्थापन, तो इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न आपके लिए, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, परिवर्तन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है 29, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं प्रतिफल, तो इसका सही जवाब हुआ सी अभिकारक। अगला प्रश्न बच्चों 30, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, तो इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, यानी सही जवाब होगा आपका डी ऊष्माशोषी। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, यानी वहाँ उष्मा निकलती है, इसलिए सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है बच्चों 32 नंबर, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, तो सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करने के अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, तो यहाँ AgBr जो है ये अपघटित होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसका सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में कौन उपचायक है, तो यहाँ O2 उपचायक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है बच्चों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी के ए उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 37 नंबर, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लौण एवं जल बनता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो सही जवाब होगा आपका सी। अगला प्रश्न है 38 नंबर, वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधित हो जाता है, इसका कारण है उपचयित होना यानी ऑक्सीकृत होना, अपचयित होना या उदासीन हो जाना या अपघटित हो जाना, तो इसका सही जवाब होगा ए उपचयित हो जाना। अगला सवाल है 39, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का दहन है, तो मीथेन का दहन ऑक्सीकरण है, संश्लेषण अप्रतिक्रिया है, विस्थापन प्रतिक्रिया है, या इनमें कोई नहीं है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो मोमबत्ती, केरोसिन और मीथेन गैस में ज्वाला होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी कोयला। तो इस तरह से बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन के साथ हम प्रतिदिन आते हैं। अभी विज्ञान का टॉपिक चल रहा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स से किया था, आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से किए, तो इस तरह के अति महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए, आपको प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन को दबा दीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को टच कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बने रहिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।